अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका कोई जॉब वीजा लगा है गल्फ कंट्री का और आपको मेडिकल करवाना है तो मेडिकल के लिए गमका की स्लिप निकालनी पड़ती है। गमका की स्लिप अगर आप किसी एजेंट से निकलवाएंगे तो वो 2,000-2,500 अपने हिसाब से चार्ज करें, लेकिन यही काम आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। या अगर आप चाहते हैं कि ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करूं, आपकी गमका की स्लिप मैं आपको निकलवा के दूं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी और मैं ही आपके लिए गमका की स्लिप निकाल के आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन, मैं आपको लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको आना है गूगल में, यहाँ पर हम सर्च करेंगे वाफिट। ये है वाफिट की ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर यहां पे नीचे है बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस पे हमको ओके करना है। अब यहां पे हमको हमारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले तो हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे किस कंट्री से हम हैं, फिर उसके बाद सिटी, फिर यहां पे हमको GCC कंट्री सेलेक्ट करना है जहां पे हम जा रहे हैं। मान लिया आप कुवैत जा रहे हैं तो आपको कुवैत सेलेक्ट करना है, सऊदी अरब जाना है तो आपको सऊदी अरब सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, तो जो पासपोर्ट है आपका वो आपको लेके बैठना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको इंटर करना है, लास्ट नेम। अब बहुत सारे लोगों का लास्ट नेम नहीं होता, एक ही नेम होता है, तो आपको लास्ट नेम में फादर नेम इंटर कर देना, ये सही तरीका है इसको फिल करने का। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है पासपोर्ट के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद यहाँ पे आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर इंटर करना है, फिर वही पासपोर्ट नंबर को यहाँ पे कन्फर्म करना है। पासपोर्ट की इशू डेट जो कि आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई होगी, पासपोर्ट इशू पहले प्लेस वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होगा, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट वो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे वीज़ा टाइप, वर्क वीज़ा, बेसिकली वर्क वीज़ा आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जब आप इंटर करेंगे तो प्लस लगा के 91 लगा के आपको इंटर करना है, अगर आप इंडिया का मोबाइल नंबर दे रहे हैं। बहरहाल जहाँ का भी आप नंबर दे रहे हैं आपको कंट्री कोड के साथ में नंबर यहाँ पे इंटर करना है। अब नेशनल आईडी जो पहले था ये ऑप्शनल था, लेकिन अभी इन्होंने इसको मस्ट कर दिया है, आपको इसको फिल करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट का जो नंबर है, यहाँ पे हमने जो पासपोर्ट नंबर डाला है उसी को हम यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पोजीशन अप्लाई फॉर, आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया, आपका जो वीज़ा है ड्राइवर का वीज़ा है, नहीं तो फिर आप हेल्पर हैं, जो आप हैं यहाँ से आप सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आपको यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो आपका वीज़ा है, तो आपको यहाँ पे अदर में आके टाइप कर देना है जो भी आपका वीज़ा हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है आपको इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर देना है, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ, फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस हम देखते हैं। अब ये है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे $10 पेमेंट करना है। अब $10 पेमेंट आप करेंगे तो जितनी भी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होगी वो कट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए, आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एक कार्ड चाहिए, आपको कोई भी कार्ड चलेगा, माधा कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड भी, आप उसे भी पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्ड का जो नेम है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो कार्ड का नंबर है, कार्ड के ऊपर जो नंबर होता है वो नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। मंथ और ईयर यहाँ पे टाइप कर दें, फिर उसके बाद यहाँ पे CVV जो कि कार्ड के पीछे होगी वो CVV आपको इंटर करना है। जो आपने ईमेल आईडी डाला है उसके ऊपर पेमेंट की स्लिप सेंड हो जाएगी, गमका की स्लिप, आप वहां से उसको जेरोक्स करवा सकते हैं। पेमेंट होने के बाद जो आपकी स्लिप है गमका की स्लिप वो आपके ईमेल पे चली जाएगी, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। यहां पे आपके पास टाइम होगा 21 दिन, 21 डेज के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं मेडिकल सेंटर पे, और जो मेडिकल की सेंटर की जो टाइमिंग होगी वो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी, टाइमिंग, डेज, कब इसकी ऑफ है, कब ये खुला रहेगा, सारी डिटेल यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जाके अपना मेडिकल दे सकते हैं। तो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो कैसे चेक करते हैं, फिट है या अनफिट है, आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।